हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी वंस अगेन। आज आप सीखेंगे डेली यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स मींस इंग्लिश वोकैबुलरी। इसमें ऐसे कई जनरल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कि कई बार हमारे माइंड में क्लिक नहीं करते, तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे अभी ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि ये फोटो उल्टी टांगी हुई है, अब इसको कैसे बोलेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक। If you want to continue with daily English speaking series, then please, please, please click on this red subscribe button. So here is the first word, that is workout. Workout, maybe आपने सुना भी होगा, कसरत करने को हम workout कहते हैं। Actually हम word use कर लेते हैं exercise. तो अगर हम कहना चाहते हैं मैं रोज एक घंटा exercise करती हूँ, I work out for almost an hour daily. Next is ड्रेस अप। ड्रेस अप होता है कि अच्छे कपड़े पहनना। अब वैसे तो सारे ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे किसी पार्टी में हम एक स्पेशल ड्रेस पहन के जाते हैं, तो उस केस में हम उसको ड्रेस अप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आई हैव टू ड्रेस अप फॉर द पार्टी, मुझे पार्टी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहननी है। नेक्स्ट इज गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनना। आई हैव टू गेट ड्रेस्ड, मुझे कपड़े पहनने हैं। अनड्रेस मीन्स कपड़े उतारने हैं, रिमूव करने हैं। नेक्स्ट इज केम ऑफ, निकलना। अब जैसे हम इसको ना एक सीरीज में ले रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बटन के साथ ही उसको रिलेट करते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरा बटन निकल गया है, द बटन केम ऑफ। या फिर आप कहना चाहते हैं कि मेरी शर्ट का बटन निकल गया, एक बटन निकल गया, अब अ बटन came off my shirt. Next, lose. This button is loose. कि ये बटन जो है वो ढीला है. Next is missing, खोया हुआ. My shirt has button missing. मेरे शर्ट का बटन खो गया है. Button up means बटन लगाना. Button up your shirt. अपनी शर्ट के बटन लगा लो. Next इस बकल, जैसे अगर हम कहना चाहते हैं कि अपनी कार में बैठे हुए सीट बेल्ट लगा लो, या प्लेन में भी हमेशा ऐसे कहते हैं कि सीट बेल्ट बांध लो, पेटी बांध लो, तो उसमें कैसे कह सकते हैं बकल योर सीट बेल्ट। अब इसका अपोजिट है अनबकल, मींस खोलना। प्लीज अनबकल योर सीट बेल्ट, आप अपनी कृपया सीट बेल्ट खोल लीजिए। नेक्स्ट इज फासन, फासन मीन्स कसना, किसी चीज़ को टाइट करना। अगेन वैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे सीट बेल्ट के साथ ताकि आप इसको कोरिलेट करके याद रख सके। फासन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट कस लो। नेक्स्ट इज दैट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ दैट फासन, दैट इज अनफासन, खोलना या ढीला करके खोलना, या ऐसे ही किसी भी तरह से अनफासन द पिंस। अब यहाँ पे जो है वो पिंस किस लिए यूज़ किया गया, जैसे कई बार हम न्यू शर्ट लेते हैं या कोई भी क्लोज लेते हैं उसमें पिंस लगे होते हैं, तो उसको उनको हटाना, अनफासन द पिंस। अब इसका एक और एग्जांपल है, ही अनफासन हिज हेलमेट बेल्ट, उसने अपनी हेलमेट बेल्ट को खोला। नेक्स्ट इज किक्ड ऑफ, किक्ड ऑफ मीन्स हटाना। अब यहाँ पे जो किक्ड ऑफ वर्ड यूज़ किया गया है वो है किसी को किसी टीम से हटाना या किसी पोस्ट से हटाना। इट्स एक्चुअली अ नेगेटिव वर्ड, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, ही वॉज किक्ड ऑफ द टीम, उसको टीम से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। नेक्स्ट इज वी किक्ड हिम ऑफ फ्रॉम द कमेटी, हमने उसको कमेटी में से किक ऑफ कर दिया, हटा दिया। थ्रो अप ऐसे है कि जैसे कई बार बेचैनी सी हो रही होती है, हमें लगता है कि हमें वॉमिट सेंसेशन हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो उसको कैसे बोलेंगे, आई फील लाइक थ्रोइंग अप, मुझे वॉमिट सेंसेशन हो रही है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। नेक्स्ट इज अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन के भी दो मीनिंग्स हैं, एक है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त में है कि जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ घर में अस्त व्यस्त
थी। एवरीथिंग इन द हाउस इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। हर चीज घर में अस्त व्यस्त हो गई। नेक्स्ट इज, इसका एक और मीनिंग है अपसाइड डाउन का, दैट इज उल्टा। जैसे हम कहते हैं कि आपने फोटो उल्टी टांग दी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा है उसके लिए, जैसे मेरे भाई ने फोटो उल्टी टांग दी, माय ब्रदर हंग द पिक्चर अपसाइड डाउन। यू हैव हंग द पिक्चर अपसाइड डाउन, आपने पिक्चर उल्टी टांग दी। ये जैसे कई बार कोई बुक उल्टी पकड़ के बैठा उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, योर बुक इज अपसाइड डाउन। फ्लिप, फ्लिप मीन्स उछालना। जैसे हम कई बार कॉइन उछालते हैं और डिसाइड करते हैं हेड या टेल, उसी तरह से बिल्कुल वी विल यूज द वर्ड फ्लिप। फ्लिप द कॉइन एंड डिसाइड द टर्न। नेक्स्ट, फ्लिप थ्रू। फ्लिप थ्रू का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज पलटना या नज़र डालना। जैसे कि हम कोई चीज़ की साइड पलटते हैं उसके लिए भी फ्लिप थ्रू यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे पेजेस पलटना उसके लिए भी फ्लिप थ्रू यूज कर सकते हैं। ही वॉज फ्लिपिंग थ्रू हिज ओल्ड एल्बम, मीन्स जैसे कि वो अपनी ओल्ड पुरानी एल्बम में से सिर्फ उसके पेजेस पलट के या पिक्चर्स पलट के नज़र डाल रहा था। नेक्स्ट इज डिजर्टेड। डिजर्टेड होता है सुनसान। द स्ट्रीट वॉज डिजर्टेड आफ्टर 10 PM, रात को 10 बजे के बाद। 10 PM मीन्स रात का टाइम। रात को 10 बजे के बाद जो गली थी वो सुनसान थी। हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आप मेरे वीडियोस में जितने भी सेंटेंसेस या वर्ड्स सुनते हैं, प्लीज उनको यूज करने की कोशिश कीजिए। सारे नहीं यूज कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ को अपने माइंड में रखिए, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब भी बैठे उनमें से 2-4 को डिस्कस करिए। जब हम किसी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं तो उसको कभी नहीं भूलते, तो उसको डिस्कस कीजिए, उनको यूज़ कीजिए, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस आप खुद सोचेंगे कि हम कब सीख गए। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। You can also watch my videos on my Facebook page. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.